तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं जेके फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछली दो वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, पहली दो वीडियोस को पहले देखिए, आप स्टेप्स को समझिए और फिर इसे खुद से ट्राई करिए पहले, और नहीं आता है तो इस वीडियो को देखना चालू करिए, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, मैंने कहा था जिससे कन्वर्ट करना है, मतलब जेके से कन्वर्ट करना है तो जेके क्या बनेंगे, एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। और डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है तो डी की बनेगी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक। इतनी बार क्लियर है। तो पहला स्टेप है, हम टेबल बना लेते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप की हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाई, तो डी फ्लिप फ्लॉप में डी और क्यू एन को देख के हमें क्यू एन प्लस वन की वैल्यू लिखनी है। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, आउटपुट तो वैसा ही जनरेट होता है जैसा इनपुट होता है, मतलब 0 0 पे 0 0 ही हमारा आउटपुट आएगा और 1 1 पे 1 1 ही हमारा आउटपुट आएगा। अब जेके की एक्साइटेशन टेबल बना लेते हैं। मैं इसके लिए कोई अलग टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं इसी में क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू देख के जेके की वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में 0 0, ठीक। तो हमारा एक तो ये जो है यहाँ पे क्यू एन जो है क्यू एन प्लस वन के इक्वल है। तो क्यू एन जब क्यू एन प्लस वन के इक्वल कब होता है, क्यू एन प्लस वन के इक्वल होता है जब जे और के दोनों 0 0 होते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्या आउटपुट हमारा 0 है, आउटपुट 0 एक और कंडीशन होता है जब जे 0 होता है के 1 होता है। तो यहाँ पे K के लिए डोंट केयर है और J के लिए 0, ठीक। 1 0 आउटपुट इन्वर्ट। चलिए बस दूसरी कंडीशन को समझते हैं जिसमें 1 0 आ रहा है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड आउटपुट कब आता है जब J K दोनों 1 हो, और आउटपुट क्या आ रहा है, एक 0 आ रहा है। तो 0 कब आता है, 0 1 पे। तो यहाँ पे J पे डोंट केयर है और K पे 1 है, ठीक। अब यहाँ 0 1 आ रहा है, 0 1 मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड में 1 1 भी आ सकता है और आउटपुट हमारा 1 आ रहा है, तो 1 आता है तो 1 0 पे आता है। यहाँ पे 1 J और डोंट केयर K, ऐसे यहाँ पे डोंट केयर J और K 0, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये टेबल बनानी आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो इस टेबल में ये थी एक्साइटेशन टेबल और ये थी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप आपको याद होगा, तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। अब तो इक्वेशन लिखेंगे हम, तो पहले J के लिए बना लेते हैं। तो J के लिए D और क्यू एन, ठीक, 0 1 0 1। K के लिए D और क्यू एन, 0 1 0 1, ठीक। J हमारा आ रहा है 0 क्रॉस 1 0 क्रॉस 1 क्रॉस क्रॉस 1 क्रॉस 0, ठीक। तो यहाँ पे जो बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है, बस दो ही बन रहे हैं। तो J हो गया हमारा D के इक्वल और K हो गया हमारा D नॉट के इक्वल। तो यहाँ पे J और K दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग बनाते हैं आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप में हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे J के फ्लिप फ्लॉप से कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए हम लोग पहले क्या बनाएंगे, J के फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। तो यहाँ J बना दिया है, K बना दिया, Q हो गया, क्यू एन नॉट आ गया, ये क्यू एन आ गया, ये आउटपुट आउटपुट इनपुट इनपुट, और यहाँ पे क्लॉक लगा दी, ठीक है। अब D फ्लिप फ्लॉप ले गए, तो J एक तो जगह, D तो J तो D के इक्वल है, और यहाँ पे K में क्या आ रहा है, D नॉट आ रहा है। तो ये बन गया हमारा सर्किट डायग्राम जिसमें हमने J के फ्लिप फ्लॉप को D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आपको प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अभी के लिए गुड बाय।